अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने एफएससी केमिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर वन से इनिशिएटिव लिया है इस केमिस्ट्री को, और चैप्टर नंबर वन का जो नेम है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज के लेक्चर से पहले हम लोगों ने दो तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हुए हैं, जिसमें से जो पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो रिगार्डिंग टू एटम था, दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास मॉलिक्यूल था। आज हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नेम है आयन। आयन को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो लेक्चर फ्लो होगा वो ये लिखा हुआ है। इस आयन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम आयन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग आयन फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि आयन बनता कैसे है, तीसरे नंबर पर हम लोग आयन्स की टाइप्स के मुताबिक पढ़ेंगे, और टाइप्स के अंदर फर्दर दो सब हेडिंग्स आ जाएंगी। टाइप्स में एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है, फिर पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन, फिर नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन, पॉजिटिव आयन की एग्जांपल्स और नेगेटिव आयन की एग्जांपल्स, और इनके प्रोसेस की नेचर, ये किस तरह के प्रोसेस हैं। सो लेट्स टेक स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट चार्ज इज कॉल्ड आयन। एटम्स या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर नेट चार्ज हो। अब नेट चार्ज से क्या मुराद है इसको हम स्टडी करेंगे। अगर हमें नेट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लें हमें आयन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, और वो एटम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का, एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के एटम की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटम एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज से क्या मुराद है, कोई चार्ज से मुराद क्या है, आप लोगों के पास ये हाइड्रोजन का एटम और इसके अंदर मौजूद एक छोटा सा न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन है और बाहर शेल में जस्ट और जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। सो इसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो प्लस वन और माइनस वन करोगे तो नेट रिजल्ट इसके ऊपर क्या आएगा, जीरो। मतलब इसके ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं। सो दिस एटम इज अ न्यूट्रल। लेकिन अगर इसी एटम के ऊपर कोई नेट चार्ज लिया जाए, फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज आ जाए या माइनस चार्ज आ जाए, तो ये एटम बन जाएगा आयन। अब एक एटम आयन में कैसे बदलता है, एक एटम को आयन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेशन अब हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑफ आयन। तो आयन की फॉर्मेशन की सिर्फ एक ही लाइन आप लोगों ने याद रखनी है, व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर क्या जाता है, कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर एक एटम की बात करें, तो ये एटम हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन का एटम है। दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस एटम हैव वन न्यूक्लियस, हैव न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटोन है और इसके बाहर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो नेट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, तो हमारे पास इस एटम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ इस तरह का है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब इस चीज के पास जो कि एटम का बाकी हिस्सा बचा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज यहां पर कोई भी नहीं है, और जीरो यहां पर आप लोगों के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। प्लस वन और माइनस वन करेंगे, माइनस जीरो करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, अगेन प्लस वन। नाउ दिस एटम बिकम अ चार्ज स्पीशी, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस वन चार्ज आ गया। सो हम लोगों ने किया क्या, किया ये कि हाइड्रोजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जब हाइड्रोजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोटॉन
पर पॉजिटिव वन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव वन चार्ज था पहले, तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गए, तो नेट चार्ज पहले जीरो था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस वन रह गया और साथ में माइनस वन, तो यहाँ से एमिट हो गया। अब प्लस वन इसके ऊपर क्या रह जाएगा, रिमेनिंग चार्ज रह जाएगा। ये एक ट्रिक है एटम को आयन में कन्वर्ट करने का। दूसरा ट्रिक है कि अगर जिस तरह से आप लोगों ने इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाया है, वैसे ही आप लोग इसके अंदर क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड कर दें। दिस इज अ न्यूट्रल एटम, एंड दिस न्यूट्रल एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में इंसर्ट कर दें। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर एंटर करवा दें। कैसे एंटर करवाएंगे, ये बात की बात है। ये पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और ये आप लोगों ने खुद से इसके अंदर क्या करवा दिया, एंटर करवा दिया। नाउ दिस स्पीशी हैव प्लस वन पॉजिटिव चार्ज, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो प्लस वन चार्ज है इसके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना, माइनस टू। तो प्लस वन और माइनस टू करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन। नाउ दिस स्पीशी बिकम माइनस वन चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस वन चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव स्पीशी बन जाएगी। सो किया क्या, एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया और एक एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया। ऐड करवाने में भी एटम पे ऊपर चार्ज आ गया और रिमूव करवाने में भी एटम पे चार्ज आ गया। ऐड करवाने पर एटम पर नेगेटिव चार्ज आ गया और रिमूव करवाने पर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं, नेट कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक एटम मौजूद है और अगर उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया जाए तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयन। पहली हेडिंग आप लोगों ने डेफिनेशन की थी, दूसरी हेडिंग आप लोगों ने फॉर्मेशन की थी। तो फॉर्मेशन आप लोगों के पास क्या है कि हम लोग एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे या ऐड करवाएंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स आयंस, आयंस की दो टाइप्स हैं। नंबर वन पॉजिटिव आयन, नंबर टू नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन क्या होता है और नेगेटिव आयन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे पॉजिटिव आयन की। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेट पॉजिटिव चार्ज। एटम्स या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर नेट क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन बोलेंगे। या पॉजिटिव आयन का सेकेंड नेम क्या है, केट आयन, या उसको आप लोग केट आयन बोलेंगे। सही, तो पॉजिटिव आयन या केट आयन एक ही चीज के दो नाम। सो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन है क्या, नाउ लेट डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। जब एक एटम या एटम का ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो आप लोगों के पास जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की कि अगर आप लोगों के पास एग्जांपल्स में देखें, हाइड्रोजन का एक एटम, सो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इसके पास प्रोटॉन होता है। आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दें, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा एटम का, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम और एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने से, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव दिस इज कॉल्ड केटायन। इस तरह से अगर सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही इसके पास क्या है, प्रोटॉन है।
अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10 और प्रोटॉन रह जाएंगे 11, तो प्लस 11 और माइनस 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 1, तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस 1. सिमिलरली लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही इसके पास क्या है, प्रोटॉन. लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया जाए तो लिथियम के ऊपर भी क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड दैट इज द नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, कि मतलब पॉजिटिव आयन की जो नेचर है, मतलब पॉजिटिव आयन की जो फॉर्मेशन की जो नेचर है, प्रोसेस किस तरह का है, प्रोसेस की नेचर को डिस्कस करना चाह रहे हैं हम लोग. सो इसकी जो नेचर है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप लोग बाहर से हीट को सिस्टम के अंदर एंटर करवाएंगे. व्हाट इज सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज योर अंडर ऑब्जर्वेशन. अब यहां पर जो अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, वो एक एटम है. तो अगर आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवाना है, तो डेफिनेटली यू पुट सम एनर्जी टू द सिस्टम. आप क्या करेंगे, बाहर से कुछ एनर्जी एटम को सप्लाई करेंगे, एटम के इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके बाहर चले जाएगा. बिकॉज यू आर पुटिंग एनर्जी, यू आर सप्लाइंग एनर्जी टू द सिस्टम, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. सो द फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडो मीन एंटर, थर्मिक मीन हीट, हीट का एंटर होना सिस्टम के अंदर, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट, जो हमारे पास नॉर्मली पॉजिटिव आयंस में हम लोग एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सारे के सारे मेटल्स आयंस हैं, क्योंकि मेटल जो है, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं. ठीक है, तो इनसे जो आयंस बनेंगे वो नॉर्मली पॉजिटिव ही होंगे. सो पॉजिटिव के आयंस में या केट आयन में आप लोग मेटल्स की एग्जांपल्स सबसे ज़्यादा सूटेबल है. इसके अलावा पॉलीएटॉमिक आयन भी हो सकता है. पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन, मतलब नॉर्मली जो एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इन एग्जांपल्स में सारे ही आप लोगों के पास सिंपल एटॉमिक आयन है. एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके नतीजे में आप लोगों का जो आयन बन रहा है वो भी एटॉमिक आयन ही है, सिंपल केट आयन ही बन रहा है आप लोगों के पास. लेकिन अगर एक मोलिक्यूल, एक आप लोग पास ग्रुप ऑफ एटम है, फॉर एग्जाम्पल H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, सो दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम्स, दिस इज द पॉली एटॉमिक स्पीशी, और पॉली एटॉमिक स्पीशी पे जो अगर चार्ज है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन, या इसको आप लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन. इसी तरह से अमोनियम आयन, ये आप लोगों के पास दो एग्जांपल्स हैं, ऐसी दो एग्जांपल्स हैं केट आयन की जिसमें आप लोगों के पास मोर देन वन एटम्स हैं. सो दैट्स व्हाई दीज आयंस आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक. केट आयन भी कह सकते हैं, पॉली एटॉमिक आयन एक जनरल टर्म है और कॉम्प्लेक्स आयन भी क्या एक जनरल टर्म है. सो दिस इज द पॉजिटिव आयन, ये एक कैटेगरी हम लोगों ने आयन की डिस्कस कर ली. नाउ दूसरी कैटेगरी है आप लोगों के पास नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन का जो दूसरा नेम है वो है एन आयन. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनायन. एटम्स या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो, मतलब आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से तादाद में क्या हो, एक ज्यादा हो, मतलब उसके ऊपर
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इस तरह की आयन को आप लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन बोलेंगे या एन आयन बोलेंगे। तो उसकी अगर फॉर्मेशन देखी जाए तो फॉर्मेशन में हम लोग कह सकते हैं व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म एन आयन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनाता है, एन आयन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ली जाए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, काफ़ी ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप लोगों के पास हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैनिजारो रिएक्शन इसकी एक एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। सिमिलरली अगर बात डिस्कस की जाए फ्लोरीन की, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, मीन्स फ्लोरीन हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स टोटल एंड 9 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये एक्सेप्ट करता हो 17 ही इसके पास प्रोटॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से एक ज़्यादा हो जाएगी, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसी तरह से अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता तो उसके ऊपर आ जाएगा O-2, ठीक है। तो कितना चार्ज आ रहा है ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐड हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिमूव हो रहे हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ एन आयन की, इस प्रोसेस की नेचर क्या है, इस प्रोसेस की दो तरह की नेचर है, ये एक्सोथर्मिक भी होता है और ये एंडोथर्मिक भी होता है। ये एक्सोथर्मिक किस केस में होगा, ये एंडोथर्मिक किस केस में होगा, अब हम लोग ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। जी दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब क्या है कि अगर यूनि नेगेटिव आयन बनेगा तो जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सो निकला है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर जाना, आउट होना। थर्मिक मतलब किस चीज़ का बाहर जाना, हीट का बाहर जाना। अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यूनि नेगेटिव आयन से क्या मुराद है कि एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव आयन होगी, सो दैट आयन विल बी नोन एज यूनि नेगेटिव आयन। अच्छा ये एक्सोथर्मिक कैसे होगा, जरा इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, मतलब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल और उसके न्यूक्लियस में मौजूद 8 ही प्रोटॉन्स हैं, नेट ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो ऑक्सीजन इज अ न्यूट्रल स्पीशी। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये ऑक्सीजन के क्रॉस पहला शेल और ये ऑक्सीजन के क्रॉस दूसरा शेल। पहले शेल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन, एक और एक दो, दूसरे शेल में मौजूद 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और इनर शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और ओवरऑल ये स्पीशी आप लोगों के पास न्यूट्रल है। अब बाहर से आप लोग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं, ये आप लोगों के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो कि इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक न्यूट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रल एटम। जरा इन सब इलेक्ट्रॉन्स की जरा एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के से दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। सो अगर आप लोग यहाँ पर न्यूक्लियस के पास देखें तो जो पहले शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, दूसरे शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर पड़ा हुआ एटम के एटम का हिस्सा नहीं है, जो बाहर मौजूद है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम में आना है, सो डेफिनेटली ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक ये अपनी एनर्जी को इस शेल की एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बना लेता। सो अगर इसको यहाँ पर आना है तो उसको अपनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये एनर्जी रिलीज़ करेगा और कहाँ पर आ जाएगा, इस शेल का हिस्सा बन जाएगा, कुछ इस तरह से। बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज की, एंड यहाँ पर हुआ क्या कि आप लोगों ने सिस्टम में से एनर्जी को बाहर निकलवाया, मतलब सिस्टम में से एनर्जी बाहर आई, और जब सिस्टम में से एनर्जी बाहर आई तो द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक सिस्टम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और सिस्टम क्या है, ये वाला हिस्सा, इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा और एटम वाला हिस्सा, ये दोनों ही हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों को ही सिस्टम बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी बाहर आ रही है, सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है जब आप लोग डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ यूनि नेगेटिव आयन, दिस इज अ यूनि नेगेटिव आयन। अगर इसी में ही आप लोग एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करवाना चाहते हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन के इस नेगेटिव आयन में मजीद आप लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के पास सिस्टम एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक बिल्कुल भी नहीं होगा। What is the reason behind? Suppose that कि आप लोगों के पास इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास यहां पे भी मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आना चाहता है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनना है तो डेफिनेटली इसको भी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। लेकिन मसला ये आ गया कि यहां पर अब पहले एक इलेक्ट्रॉन कम था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहां पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, और नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये कभी भी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए राजी नहीं होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत डेंस हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे और ज़बरदस्ती इस सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। जब सिस्टम को बाहर से एनर्जी खुद सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई? सो बिकॉज कि अगर आप लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं तो पहले ही से ही वैलेंस शेल का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो इतना का डेंस हो चुका है कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसके क्लाउड को रिपेल करेगा। सो अगर आप लोग रिपल्शन को ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी ताकि वो एनर्जी गेन करके उस रिपल्शन को ओवरकम करके सिस्टम का हिस्सा बन जाए। सो फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो ये आज का हमारा टॉपिक आयन के हवाले से मुकम्मल हो गया। इसको स्टडी करें, इसमें कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो पे कमेंट कर दें।